दरअसल हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स है, तो ये रेवेन्यू जनरेशन का सेगमेंट है जिसमें बिहार के दो स्टार्टअप्स हैं। पहला परिचय दिलखुश कुमार नाम है इनका, सहरसा के रहने वाले हैं और जब ये अंदर घुस रहे थे स्वागत करने के लिए खड़ा था तो उन्होंने कहा कि कल आर्या ग्रुप का 5 साल पूरा हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनेगा, हमने कहा बहुत खुशी की बात है। इन्होंने कहा कि 5 साल पहले बहुत लोगों से हम बात किए थे और सहरसा के लोग कैब नहीं बोल पा रहे थे, वो लोग क्या बोलते थे कैफे बोलते थे, और उस शहर में आज भी इनका ऑफिस है और आज 500 गाड़ियां आर्या ग्रुप कैब से कनेक्टेड हो चुकी हैं और चल रही हैं। अब दूसरे आलोक नाम है, आलोक जो पटना में बना बनाया ऑफिस देते हैं, को वर्किंग ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है वो पटना में आलोक का ख्याल राहुल उनके और कई दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है, बात करने के लिए भाई साहब को ही बुलाया गया हमने। तो दिलखुश जी से शुरुआत करते हैं, आर्या ग्रुप पहली बार दिमाग में कब आया था, क्योंकि और भी कई कंपनियां हैं जो यही काम कर रही हैं, लेकिन आपका टैगलाइन है गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, ऐसा क्यों? पहले हम सभी को नमस्कार करते हैं। एक छोटा सा लाइन रात में हम यहाँ आने से पहले लिखे थे क्योंकि आज हमारे बीच सारे एंटरप्रेन्योर हैं। आंखों में खुशी की झलक दुनिया को वो दिखाता है, आंखों में खुशी की झलक दुनिया को वो दिखाता है, दिल में दर्द भरे आंसू वो दुनिया से छिपाता है। ऐसे ही नहीं जनाब कोई एंटरप्रेन्योर कहलाता है। आपकी कहानी शुरू हुई है तो उसे खत्म भी होना है, आपके किरदार में काबिलियत होगी तो आप याद रखे जाएंगे। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था आर्या ग्रुप, इसको 2016 में हम शुरू किए थे और उसी समय बिहार सरकार का ये स्टार्टअप योजना ये लॉन्च हुआ था और हम लोग अखबार के माध्यम से इसे पढ़े। पहली बार हम वेंचर पार्क में ही आए थे अपना आइडिया को लेके और हमको याद है हम ठीक से पिच नहीं कर पाए थे क्योंकि हमको सब दिन गांव के परिवेश में रहे हैं, उन सब चीजों को जो मेरे मन में चल रहा था उसको प्रेजेंस नहीं कर पा रहे थे। तो बड़ी ही मायूस होकर मैं यहां से वापस गया था और अपने काम में यह सोच के लगा था जो नहीं, सरकार को बैसाखी बना के बैतरणी नदी पार नहीं करेंगे, जो भी करना है अपने दम पे करना है। ऑनलाइन हम आवेदन किए थे और संयोग से वो आवेदन एक्सेप्ट भी हो गया था, शॉर्टलिस्टेड भी हुआ था और भूल से 2 आवेदन किए थे तो एक CIMP मेरा इंक्यूबेशन सेंटर असाइन कर दिया गया था और एक PIA में एडवेंचर पार्क में, तो संयोग पर CIMP से वो स्टार्टअप के लिए अप्रूव हो गया। तो उस दिन हमको याद है खुद से एक राइड लेके गए हुए थे जिस दिन ये शायद होटल मौर्या में इसका ये हुआ था पहला जो स्टार्टअप का सिलेक्शन हुआ था, तो होटल मौर्या में कार्यक्रम हुआ था और हमको लग रहा था नहीं मेरा नहीं होगा क्योंकि जिस दिन यहाँ से हम वापस गए थे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था जो नहीं जब हम पीछे नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा आइडिया कैसे सिलेक्टेड होगा। और हम चले गए थे अपना खुद से राइड देने के लिए कस्टमर को, तो कस्टमर कहीं वेट कर रहे थे, हम मोबाइल में से वीडियो देख रहे थे तो उसी वीडियो में देखे जो उसमें आर्या ग्रुप का भी नाम आ रहा है। तो उस दिन हमको इससे पहले हम कभी भी किस्मत पे भरोसा नहीं करते थे, उस दिन हमको लगा नहीं किस्मत पे भी भरोसा करना चाहिए और उस दिन जो खुशी मिला वो खुशी आज तक हमको नहीं मिला। जो आदमी पिच नहीं कर पाया था उसका स्टार्टअप में सिलेक्शन हो जाना उसके प्लान का, ये हम लोगों के लिए बहुत अंदर से मोटिवेट किया और एनर्जी लेवल मेरा बढ़ा दिया। दो 2017 में इस कंपनी को आर्या ग्रुप को हम बिहार के 4 शहर में एक्सप्लोर कर चुके थे, तब तक बिहार गवर्नमेंट से सीड फंड भी नहीं लिए थे और वो अपना से रेवेन्यू जनरेट करके ही किए थे। 2018 में हम लोग एक एक्सीडेंट में हम लोग जेल चले गए थे और जो हमारी बनी बनाई कंपनी थी वो कंप्लीट शटडाउन हो गई थी। जब हम कंपनी बनाए थे मेरे पास कुछ भी नहीं था और जब शटडाउन हुई थी उस समय हमारे पास लगभग 150 के आसपास कैब था, 150 के आसपास इंप्लॉयमेंट था और हम लोग लगभग 40 लाख के आसपास सेल कर रहे थे। जब हमारी कंपनी शटडाउन हुई तो हमें लगा जो हमारे जो टीम के लोग थे सारे लोग छोड़ के चले गए और हम बीच में अकेला पड़ गए। 8 महीना हम लोग पूरी कंप्लीट हमारे जो टीम के कोर टीम के मेंबर थे वो भी जेल में थे, हमारे बाबूजी भी जेल में थे, हमारे भाई भी जेल में था, हमारी छोटी सी बच्ची थी। हमको लगता है 15 दिन के बाद जेल में हमको उसका याद आया और 15 दिन तक एक ही चीज सोचे
जो हम जो सपना देखते क्या वो भर चुका है, उस चीज को अब हम पूरा नहीं कर पाएंगे। 15 दिन तक हम इस चीज को रात रात भर जगते, वहां बस एक ही चीज देखे। 15 दिन बाद जब बेटी हमसे मिलने के लिए आई, तब याद आया मुझे बेटी भी है, बेबी भी है और घर में परिवार के लोग भी। जब हम बाहर निकले तो हमारे समाज में एक कल्चर है, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है तो ना आपको कहीं चेयर मिलेगा बैठने के लिए, ना ही समाज आपको उस नजर से देखेगा, आप हमेशा उसके नजर में एक विलन की भूमिका में रहेंगे। हम वहां से जब बाहर आए तो हमको लगा कि लोगों के पास एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था कि भाई हम निर्दोष हैं, हमारा कानून का स्ट्रक्चर ऐसा है जो हम फंस गए। हमको लगा जो लोग एक बार माइंड सेट कर लेते हैं जो फलाना आदमी इस टाइप से है, तो वो आदमी के माइंड में सेट हो जाता है वो ऐसा ही। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया और हम पुनः हर जब आए जिस दिन जेल से, हमको याद है हम घर नहीं गए, पहले हम ऑफिस गए और माँ को बोले जब तक यहाँ हम पूजा नहीं करेंगे तब तक हम घर नहीं घुसेंगे। और उस दिन हम 2019 में 8 अप्रैल को पुनः इस कंपनी को स्टार्ट किए। आज 2020 लास्ट होने वाला है और खुशी होती है 500 कैप के साथ लगभग 3.5 करोड़ के आसपास सेल कर रहे हैं हम लोग मंथली। और हम लोगों का 5 साल इस कंपनी को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और आज तक किसी भी निवेशक के पास पिच करने के लिए अपने आइडिया को लेके नहीं गए हैं। जो भी किए हैं वो अपने मेहनत के दम पे किए हैं और आगे भी सोचते हैं, ईश्वर का साथ रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो सारा कुछ मेहनत के दम पे करेंगे कि निवेशक भी आएंगे और हमें पिच करने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमको लगता है हम निवेशक को पिच नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो रिजल्ट देख के मेरे पास आ जाए। और आ भी रहे हैं, अनुज गोलेचा जी हैं और वेंचर कैपिटलिस्ट करके इंडिया का सेकंड टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उनके यहाँ से ऑफर आया है हमको 7 करोड़ इन्वेस्टमेंट का वीसी के लिए, बट हम लोग अभी उसको रेज नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग छोड़े हैं, अभी हम लोग जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। हमको बाकी अनुज जी तो आप कहते हैं कि आप सबका झंझट ले लेते हैं अपने सब, ऐसे लेते हैं क्या करते हैं? हम लोग कोवर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं। कोवर्किंग स्पेस मतलब हुआ कि शेयर्ड ऑफिस स्पेस। कोवर्किंग सपना है, कोवर्किंग समझाने का आपको कितना दूर जाना है? हाँ बताते हैं, जैसे हम लोगों ने कोवर्किंग स्पेस जब लॉन्च किया तो लोगों को समझ नहीं आता क्या है कोवर्किंग स्पेस, तो हमने अलग अलग तरीके से लोगों को, हमारे लिए चैलेंज ये था ना कि हमको सिर्फ कोवर्किंग स्पेस एडवर्टाइज नहीं करना है, लोगों को एजुकेट भी करना है कि होता क्या है और इसके क्या सर्विसेज है, क्या फायदा है, क्योंकि उससे पहले अभी भी लोग काम कर रहे हैं कन्वेंशनल ऑफिस में या फिर 2BHK रूम लेके लोग काम करते थे। अभी हमने क्या प्रोवाइड किया कि एक एक फैसिलिटी क्रिएट किया हमने और कॉमन फैसिलिटीज उनमें शेयर कर दी, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम एक ऑफिस में बनाया 2BHK में, तो वो उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, प्लस वो उस टाइप का फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकता, भाई कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए, दो ऑफिस बॉय चाहिए, अनइंटरप्टेड इंटरनेट चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज अवेल करना मुश्किल होता है। तो हमने कोवर्किंग स्पेस लॉन्च किया, पे पर सीट, मतलब जितने लोग आप काम कर रहे हैं आप पर सीट वाइज हमको पे कीजिए, तो उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो जीरो आ गया, उनका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर था वो काफी रिड्यूस हो गया। और चूंकि हमारा बिजनेस हाई कॉस्ट ऑपरेटिंग बिजनेस है, मतलब आपको रेंटल्स पे करना है राइट, तो वो बर्डन बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। लेटर ऑन आई थिंक 6-7 महीने बाद हमने क्रैक किया कि नहीं किसको बेचना है कस्टमर, हम शुरू में समझ के आ रहे थे कि कस्टमर कौन है हमारा, बट एक्चुअली में जब हम बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कस्टमर था ही नहीं। फिर हमने अपना मॉडल थोड़ा चेंज किया, हमको समझ में आया कि यहाँ क्या चलेगा और कस्टमर एक्चुअली में जेन्युइन कस्टमर है कौन जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको अवेल करेंगे। तो धीरे धीरे 6 महीने बाद हमने थोड़ा ट्रैक्शन डेवलप किया और उसके बाद आई थिंक डेढ़ साल पकड़ लीजिए कोरोना का, उसके बाद हमने एक सेंटर से 14 सेंटर बनाए हैं, आई थिंक 14 सेंटर बनाए हैं। कितने राज्यों में 14 सेंटर?
हम लोग 6 राज्यों में काम कर रहे हैं अभी। हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, हम लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, झारखंड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा और गुवाहाटी वगैरह सब बंगाल में काम कर रहे हैं, कोलकाता में भी है। तो 14 सेंटर हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं और 1.5 साल पटा दीजिए इसमें, वो ध्यान रखना है क्योंकि हमारा चूंकि रेंटल बिजनेस है और उसमें आप एक्सपेंड नहीं कर सकते जब कोविड चल रहा हो, क्योंकि कोई भी ऑफिस अवेल नहीं करता। और चूंकि हमारी सर्विस ऐसी है कि अगर आपको आपको ऑफिस छोड़ना है तो आप आज के दिन 1 महीना का नोटिस देके छोड़ सकते हैं, आपको कुछ लेके नहीं जाना है, राइट। तो ये रेडी टू मूव इन ऑप्शन में कोविड में सर्वाइव करना, ये हमको लगता है एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा, जो हमने और हमारी टीम ने मिलकर किया है। विजन क्या? विजन हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि जो जो स्टार्टअप्स हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो उनको जो एक्सपैंड करना होगा, तो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में उनको ऑफिस स्पेस या शेयर्ड ऑफिस स्पेस में हम सबसे बड़े एग्रीगेट प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। और हम ये जो चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है, कोविड के बाद ये लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई ऑफिस स्पेस जो है वो कितना कॉस्टली होता है, और कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो आप कितने बड़े यू नो फाइनेंशियल उसमें चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमको सॉल्व करनी है। और टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज में जैसे अनुभव ने बताया कि उनका टारगेट है भाई कि वो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम स्टार्टअप्स के लिए सॉल्व करें, तो हम चाहते हैं कि जो स्टार्टअप्स बने उनके लिए जो ऑफिस का प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करें। अब आर्यभू पर आ जाइए। आर्यभू के दिलखुश होने का आपको कहा था कि हम लोग नो रिफ्यूजल पॉलिसी पे काम करते हैं। अगर आपने राइट शेड्यूल किया है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो राइट आपको मिलेगी, और इसके चलते इनको बहुत कस्टमर मिले। लोग कहते हैं कि स्टार्टअप की एक खास बात यह होती है कि अगर आप अपने कस्टमर को बहुत खुश रख पाए अपने प्रोडक्ट से या फिर अपने सर्विस से, तो आप बहुत तरक्की करते हैं। तो ये क्या बिहार में जिस तरीके से आप अपना सर्विस दे रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके का एक्सेप्टेंस आपको मिला है, तो पूरा बिहार कब तक कर लेंगे? हमारा जो बिहार है यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री पहले उस हिसाब से नहीं, और पटना में पहले से भी 2-3 कंपनियां काम कर रही थी इस सेक्टर में, इस सेक्टर पर हम आए। तो एक चीज हम लोग नोटिस किए, वो कंपनी यहाँ ग्रो नहीं कर पाई, वो बिहार में एक्सप्लोर नहीं कर पाई। उसका एक ही रीजन समझ में आया, जो बिहार में बिजनेस करने के लिए हमें बिहारियों को पढ़ना होगा, यहाँ के जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को पढ़ना होगा। यहाँ अभी भी लोग टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, यहाँ अभी भी लोग, हम लोग को याद है जब भी ऑफिस में रहते हैं तो देखते हैं तो जो कस्टमर सिर्फ बुकिंग कर लेते हैं वो फिर कॉल करके पूछते हैं भैया मेरा एक रिक्वेस्ट गया है, देखिए वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा। मतलब हमको उस हिसाब से काम करना है क्योंकि हमको बेचना है, तो हम टेक्नोलॉजी से बेचें या कॉल पे बेचें, हमको बेचना ही, हम बेचने के लिए ही बैठे हुए। तो हम लोग दोनों ऑप्शन लेके आए, कॉल सेंटर भी बना दिए और टेक्नोलॉजी को भी उस हिसाब से बिल्ड कर दिए। जहाँ हम लोग जिस सेक्टर में आए थे, जो ट्रांसपोर्टेशन मेरा सेक्टर था, तो जिस समय हम इसको सहरसा शहर में, पहला बात आप लोगों को बता देते हैं, इस आइडिया को हम किसी गांव से इंप्लीमेंट किए थे, ये कोई शहर से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इस आइडिया को जब हम स्टार्ट किए थे वो हम अपने गांव से किए थे, जहां हम पैदा हुए थे उस गांव से हम इसलिए किए थे कि हमको अपनों का सहयोग मिलेगा और जहां छोटी छोटी त्रुटि होगी वो हमें बताएगा। लेकिन बाद में पता चला अपनों का सहयोग नहीं, सिर्फ और सिर्फ लीक पुलिस मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। फिर भी उसी गांव में हम इस आइडिया को सक्सेस किए, जो लोग ऑटो पे चढ़ते थे उसको कार पे मूव ऑन किए, और उसके बाद 1 साल के बाद हम शहर में पहला ऑफिस डाले थे। पहला ऑफिस मेरा आज भी गांव में है, वो ऑफिस आज भी चल रहा है और पूरे सहरसा को आज भी वही ऑफिस लीड करता है। जबकि 7 शहर में सबसे पोटेंशियल वाला शहर अगर हम लोग अभी देखें तो दरभंगा है, लेकिन हमको फख्र होता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमको सहरसा ही देता है, और उसका ऑफिस भी बहुत बड़ा नहीं है, 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है वहां पे। तो लोग जो हमारे कस्टमर है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए किताब पढ़ के बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ये चीज तो हम अपने जीवन, हो सकता कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन किताब पढ़ भी हमें यहाँ के कस्टमर के बीच में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमको हमारे जो कंज्यूमर कस्टमर है उनके बिहेवियर को पढ़ना होगा, उनको क्या चीज चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वही डिलीवर कर रहा हो। हम लोग देखते हैं कॉल सेंटर में कॉल आता है, वो मैथिली में बोलता है, वो भैया वो गाड़ी भेज रहा था वहाँ, वो जो कॉल सेंटर में बैठा हुआ है वो चाह रहा है जो हम उनसे जो है रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में बात करें, बाद में मजबूर हो जाता है ठेठी में ही बात करें, मैथिली में ही बात करें। उसके बाद प्रॉब्लम भी है, लोग जैसे बिहार में शराब बंद है,
अब जब लोग चोरी छुपी पी लेते हैं, पीने के बाद वो घर कैसे जाएंगे, पुलिस वाला पकड़ लेगा मोटरसाइकिल से, तो क्या बुक करते हैं, वो क्या करते हैं उस समय, मोबाइल एप्लीकेशन खोलेंगे और क्या बुक करेंगे। अब क्या बोला, जब ड्राइवर वहां पहुंचता है तो हम लोग पहले बोल देते हैं भैया बिहार में शराब बंद है, आप लोग किसी शराबी को गाड़ी में बंद बैठाइएगा। तो जब जाता है और बोलता है पहले पहले गाड़ी में बैठो, अब ड्राइवरों को 500 रुपया एडिशनल दे देते हैं, ये भाई हमको घर छोड़ दो। तो अब उस जगह पे ये सब चैलेंज है एक तरह से। तो हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा जो मार्केट से जो निकल के आ रहा है, जो कस्टमर के बीच से निकल के आ रहा है, हमारे लिए सारे कस्टमर बराबर है, चाहे वो बैड बिहेवियर के हो अच्छे बिहेवियर को, सर्विस हमको सबको देना, हमको सबको पढ़ना है, और वही काम हम लोग करते हैं। और कस्टमर को पढ़ के भी आ जा रहे हैं वो स्टैंड किया मार्केट में, और हमको खुशी होता है। जो जब हम दरभंगा लॉन्च किए थे नवंबर 2020 में, तो दरभंगा शहर में 7 कंपनी काम कर रही थी, और हम लोग लॉन्च किए बिना एक होर्डिंग और बिना एक पोस्टर का नंबर 1 पे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं बिना एक होर्डिंग बिना एक पोस्टर का। तो हम लोग क्या किए, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट था, जो नीड्स था, उसको नजदीक से जाके समझे और उसको उन तक उनको जैसे इजी हो एक्सेस करना, उसको और इजी बनाए, आसान बनाए, लोग हम तक पहुंचे। और जो हमारे बिहार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग कहते हैं यहाँ पे स्टार्टअप सर बोल रहे थे, जो जब नौकरी नहीं मिलता है तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए आते हैं, ये एक प्रथा है और हम लोगों को मानना होगा। तो हमको जब नौकरी मिलेगा ना, तब ये समाज में कुर्सी में बैठने के लिए मिलेगा, और नहीं तो आप करोड़पति बन जाइए, आपका कोई वैल्यू नहीं है समाज में। हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आता है, भैया क्रेडिट कार्ड ऑफिस से बोल रहे हैं क्रेडिट कार्ड देंगे, तो अब आदत हो गया, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर है तो पहले ही वो फोन काट देता है। वो कॉल करता है जो हम किसी एम्प्लॉय को कॉल कर रहे हैं, उसको हम क्रेडिट कार्ड भेजेंगे, लेकिन जब उसको पता चलता है जो एंटरप्रेन्योर है, तो वो कॉल कट कर देता है। तो समझ लीजिए एंटरप्रेन्योर का क्या यहाँ पे ये है। हम कंपटीशन करते हैं, हम यूपीएससी टॉप करते हैं, हम यूपीएससी में टॉप करते हैं, बीपीएससी में जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के परीक्षा में लोग टॉप करते हैं, लेकिन क्या वजह है जो हम लोग एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में टॉप नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या हमारे पास हुनर की कमी है? हम जाके दिल्ली को बनाए, हम जाके मुंबई को बनाए, हम जाके बेंगलुरु को बनाए, क्या हम बिहार को नहीं बना सकते हैं? जब हम बिहारी बाहरी के लिए काम करके उसको हम मेट्रो सिटी का नाम दे सकते हैं, तो क्या बिहारी बिहारी के लिए काम करके बिहार को विकसित नहीं कर सकता है? दोषी यहाँ कोई नहीं है, ना सरकार है दोषी, ना सिस्टम है दोषी, दोषी सिर्फ हम है, हमारा मानसिकता है, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट जोन पसंद करते हैं। हमारे घर वाले भी हमको, जिस दिन हम पैदा होते हैं और हमको ज्ञान थोड़ा सा हो जाता है, तो हाथ में पेंसिल और स्लेट दिया जाता है, और उसी दिन कहा जाता है बेटा तुमको नौकर बनना है, और यही मानसिकता के साथ हम अपना एजुकेशन को जारी रखते हैं, हमको केवल नौकर बनना है। जब पता चलता है नौकरी नहीं मिला, तब कहीं जाके ट्राई करते हैं, और यही कारण है बिहार में स्टार्टअप फेल हो रहा है, क्योंकि गोल पहले रहता ही नहीं, पहले रहता है नौकरी करना, अब जब नहीं मिला तो लास्ट टाइम में सर भी बोल रहे थे जो नौकरी नहीं मिला तो फिर जाके वो स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं या स्टार्टअप शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं अब बच्चों को पहली क्लास से सिखाना चाहिए स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योर में, और जो सैलरी है, जो नौकरी कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और एक एंटरप्रेन्योर हजारों लोगों के लिए जीते हैं। जिस दिन ये सेवा, जिस दिन ये चीज जाग गया ना हमारे अंदर, और जिस दिन रोल मॉडल में लोग किसी फिल्म के हीरो को, किसी यूपीएससी टॉपर को नहीं रख के किसी एंटरप्रेन्योर को रखेंगे, उस दिन बिहार का एंटरप्रेन्योर की बरसात होगी और पूरे इंडिया का एंटरप्रेन्योर लीड करेगी। और एग्जीक्यूशन आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी स्टार्टअप में। तो हम अपना बताएं तो शुरू का 6 महीना और इधर का 1.5 साल, और ऐसे विकट परिस्थितियों में हमारे पास छोड़ के भागने का ऑप्शन नहीं है, राइट? जब आप उस चीज में घुस गए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम लुक बैक करें। सर बता रहे थे कि यहाँ पे मतलब नेवर गिव अप वैसा कॉन्सेप्ट होता है, तो वो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम गिव अप कर सके।
आपने पैसे लिए हुए हैं लोगों से, आपके ऊपर अपनी अपनी लाइबिलिटी है, आप पेरेंट्स के प्रति जवाबदेह हैं, आप समाज के प्रति जवाबदेह हैं, और आप ये काम अपने चॉइस से कर रहे हैं, राइट, अपने खुद चूज कर रहे हैं इसको, तो आप भाग नहीं सकते इससे। अब जो भी प्रॉब्लम्स आए वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उससे लड़ रहा है हमको, राइट, तो वो जज्बा का, और आई थिंक इस सिचुएशन में टीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मतलब आई थिंक 10 लोग हैं और क्लास में टीचर एक को डंडा मारे तो डर लगता है, 10 को डंडा मारे है ना तो डर थोड़ा कम लगता है, तो आई थिंक टीम उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग सब लोग डंडा खाने के लिए तैयार रहते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, हमें लोगों को थोड़ा चोट कम लगे, डोंट वरी, चोट सबको लगता है लेकिन हम लोग अपने आप को थोड़ा बहलाते हैं, खुश रहते रहते हैं। एक थोड़ा सा मैं अपने एंड से इनकी बात पर थोड़ा सा मैं वो कर लूंगा, दिलखुश कह रहे थे अभी कि बिहार में स्टार्टअप इतने इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं करते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को वेलकम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जैसे अभी मंत्री जी आए थे और जैसे कोई नेता बनता है तो टीवी पे चर्चाओं में सिगरेट की चाय की टपड़ी पे हर जगह उन्हीं की बातें होती हैं। जैसे कोई फिल्म स्टार बनता है तो हम पूरा सोशल मीडिया पूरा टीवी उनके पीछे रहता है, तो मोटिवेशन क्या रहेगा लोगों का? मोटिवेशन रहेगा कि हम एक्टर बने, मोटिवेशन रहेगा हम पॉलिटिशियन बने, राइट, एंटरप्रेन्योर बनने का मोटिवेशन आया होता है जब लोगों को पता ही नहीं एंटरप्रेन्योर जैसा कोई चीज होता है। हमारे यहाँ अमरेंद्र भैया बैठे हैं 1700 करोड़ की कंपनी बना के बैठे हैं, राइट, आई थिंक मतलब उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? दिलखुश भाई बैठे अगले साल 100 करोड़ रुपए रेस करेंगे, इनकी पॉपुलैरिटी किसी भी फिल्म स्टार से किसी भी आई थिंक पॉलिटिशियन से ज्यादा क्यों नहीं है? हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तो हमको लगता है कि एक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अनुभव की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वेंचर पार्क या BIDA हो, या जो भी स्टेक होल्डर्स, जो इंस्टीट्यूशन हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को सेलिब्रेट करना एक इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। स्टार्टअप कोई बंदा अगर स्टार्टअप करके आता है तो आई थिंक उसके लिए हमको अप्रिशिएशन के लिए कुछ वो करना चाहिए। मतलब मेरा मानना है अगर मैं एक इंक्यूबेशन सेंटर चला रहा था, मेरा कोई स्टार्टअप कर रहा होता, मेरे को समझ में आता उसका धंधा अच्छा है, मैं उसका होल्डिंग लगाया था और बोलता है कि आई कॉन्ग्रेचुलेट दिस स्टार्टअप फॉर स्टार्टिंग दिस, और तालियां बजाता उसके लिए ग्रुप में बुला के, तो हमको लगता है कि हमको एक बहुत एक ऐसा वेलकमिंग माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्मलाइज कर सके। हम सिर्फ UPSC नहीं करें, हम सिर्फ IAS नहीं बने, हम एंटरप्रेन्योरशिप भी करें, हम बाकी चीजों में भी आगे बढ़े। तो ये समझ में ये तेज आवाजें बिहार की एक तस्वीर है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। बाकी कैमरा के लिए बोलना पड़ता है, मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।